हेलो एंजल लवर, जिन लोगों ने अभी तक पहली पार्ट नहीं देखी है वो पहले देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बीच में समझ में नहीं आएगी। सो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में वेंग केजिंग जो यीशु से कहता है कि मैं भले ही सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद सुनने के बाद भी जो यीशु प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अतीत में वेंग केजिंग ने जो यीशु के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया था, और यही कारण है उसे रिजेक्ट करने का, ताकि फिर से वेंग केजिंग डट में ना रहे। वेंग केजिंग ने पूछा, क्या तुम मुझे सोना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें याद रखूं? कि तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम मेरे मदद क्यों नहीं कर रहे हो ताकि मुझे सब कुछ याद आ जाए? जो यीशु कहता है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। वेंग केजिंग ने पूछा, तुमने ऐसे क्यों कहा? मुझे पता है कि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम मुझसे छुपाना चाहते हो, और तुम मुझे याद क्यों नहीं रखना चाहते हो? क्या तुम्हें सोच लगी है, या तुम्हें यह डर है कि मैं अपनी यादों को वापस पाने के बाद तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाऊंगा? जो जो कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें यह कहा तो कि मेरे कारण ही तुम्हारे मेरिडियंस टूट गई थी, तुम्हारे यादें चला गया था? यह कहते हुए जो जो के आंखों में आंसू बहने लगा, और वो वेंग केजिंग के आंखों में देख रहे थे। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देख रहे थे। जो यीशु ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो? क्योंकि मेरे कारण ही तुम्हारे हालत आज ऐसा है। वेंग केजिंग ने कुछ नहीं कहा। वेंग केजिंग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली जो यीशु चाहता क्या है, कि वो उसे दूर भेजना चाहता है या वो अपने करीब रखना चाहता है। वेंग केजिंग उसके बातों से कंफ्यूज था। वेंग केजिंग ने कहा, जरूर अतीत में कुछ कारण होगा जिसके लिए यह सभी हुआ, और उसका कारण भी शायद मैं ही हूँ। मुझे यकीन है कि जरूर कुछ बात है। तो फिर जो यीशु ने वेंग केजिंग के बालों को प्यार से टच करते हुए कहा, तुम्हारे बाल, मैं ही वो कारण हूँ जो तुम इस तरह हो। फिर जो यीशु ने धीरे से वेंग केजिंग के बाहों को टच करते हुए कहा, तुम्हारी मेरिडियन और तुम्हारे यादें मेरी कारण टूटी और खो गई। तभी वेंग केजिंग ने जो यीशु को पूछना चाहता था कि क्यों और कैसे, लेकिन अचानक वेंग केजिंग को शक्का आने लगा, और उसके दिल में बहुत डर हो रहा था। एक हाथ उसके दिल पर और दूसरा हाथ उसके सिर पर, वो जमीन पर गिर नहीं वाला था। तभी जो यीशु उसके करीब गया और उसे संभाल लिया। वेंग केजिंग बहुत डर में था। वो जो यीशु से सवाल करने लगा कि बताओ, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे दोष दो कि मैंने तुम पर विश्वास किया। जो जिसने उल्टा कहा, तुम मुझे दोष दो, लाओ वेन, तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है, उस प्यार के बारे में लेकर मैं तुमसे बार बार सवाल उठाया, लेकिन मैं तुम्हारे हर बात पर विश्वास करता हूँ। ऐसे कहकर जो यीशु रोकर बैठ गया। निराश और अफसोस के साथ जो जिसने कहा, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, दोनों के दिल साथ में जोर जोर से धड़कने लगा। वेंग केजिंग ने कहा, अब तो बता दो मुझे सभी पुराने बातें, प्लीज मुझे समझाओ। तभी जो जिसने कहा, जब तुम अपने अतीत को याद करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वेंग केजिंग ने कहा, क्या होगा अगर मुझे कभी भी याद ही नहीं आया? इसके बाद वेंग केजिंग सिलाने लगा, फिर क्या होगा बताओ। वो बहुत परेशान में था, वो मुश्किल में ही खड़ा हो रहा था। फिर वो चिल्लाने लगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे कहकर वेंग केजिंग ने अपना सिर पर अपना हाथ मारने लगा। जो यीशु ने जोर से लावेन कहकर पुकारा और उसका हाथ पकड़ लिया, और रोते हुए कहने लगा, प्लीज रुक जाओ, खुद को इतना क्रोस मत करो, तुम्हारे तबीयत खराब हो जाएगा। वेंग केजिंग ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। जो यीशु ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। फिर जो यीशु ने वेंग केजिंग के गाल पर
हाथ रखते हुए कहा, अपने आप को फोर्स करना बंद कर दो, हमारा तबीयत सचमुच बहुत खराब हो जाएगा। वेन कैसी ने कहा, तुम्हें भूल जाने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं। जो यीशु ने आगे वेन कैसी को कुछ भी कहने के लिए नहीं दिया, क्योंकि जो यीशु ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था और कहा, तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई और बलिदान मेरे लिए मत दो, तुम खुद को मेरे लिए बार बार चोट पहुँचाना बंद कर दो, मैं और अपराध बोध नहीं चल सकता हूँ। ये सब सुनकर वेन कैसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके शरीर के आधे हिस्से छोड़ दिया हो। वो कमजोर महसूस कर रहा था, वो चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था और वो बात भी नहीं कर पा रहा था। उसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन सांस भी नहीं ले पा रहा था और बेहोश होकर गिरने लगा, लेकिन जो यीशु ने उसे पकड़ लिया। वेन कैसी ने बेहोशी हालत में ही पुकारते रहे, एजो एजो। थोड़ी देर बाद वेन कैसी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जो यीशु भी शराब के साथ एक टेबल पर बैठ गया और वेन कैसी भी उसके सामने जाकर बैठ गया और जो यीशु के तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए पुकारने लगा, एजो। वेन कैसी ने उसे पुकारा, एजो। जो यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दार्शनिक वेन, अब ऐसे बोलना बस भी करो और मुझे फिर से ऐसे मत बुलाओ, यह बहुत डरावना है। उसके बाद सुनकर वेन कैसी ने अपने दो आंखें बंद कर ली और कहा, मैं जीना चाहता था क्योंकि मुझे लगा था कि कोई है जिसे मैं प्यार से करता रहता हूँ। ऐसे कहकर वेन कैसी आगे कुछ नहीं कहता है। जो यीशु सोचता है, तुम ठीक कह रहे हो लावेन। ऐसे सोचने के बाद जो यीशु ने गहरी सांस ली। फिर थोड़ी देर बाद जो यीशु ने वेन कैसी को आवाज लगाया, लावेन। वेन कैसी ने जो यीशु की तरफ देखा और कहा, हाँ। तो फिर जो यीशु वेन कैसी की तरफ झुक गया और प्यार से मुस्कुराते हुए पुकारा, लावेन। फिर वेन कैसी के सफेद बालों को टच करते हुए पुकारा, लावेन। इस पल के वजह से वेन कैसी को थोड़ा बहुत अतीत के बारे में कुछ याद आने लगा था। वेन कैसी ने जो यीशु की तरफ देखा कि जो यीशु ने उसके हाथ पकड़ना चाहता था। समय रात का था, इसीलिए जो यीशु के पीछे एक लाल टेन चमक रहा था। वेन कैसी ने जो यीशु की तरफ देखते हुए कहा, यीशु, तुम्हारे शरीर पर जो प्रकाश है मैं उसे सुना जाता हूँ। यह बात सुनकर जो यीशु हैरान हो गया, क्योंकि अतीत में यह सेम बात वेन कैसी ने जो यीशु से कहा था। यह बात सुनने के बाद जो यीशु ने वेन कैसी को गले लगा लिया और कहा, यदि मैं अतीत में तुम्हारी हर कहीं बातों पर विश्वास नहीं क्या होता, काश अब तुम्हारे हालत ऐसा नहीं होता और तब तुम्हें मेरे लिए जान नहीं देना पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे हर बात पर कैसे विश्वास कर लिया। वेन कैसी ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मुझे विश्वास किया और तुम्हें मुझे विश्वास करना होगा। फिर वेन कैसी ने कहा, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए अपने गलतियों को कबूल करता हूँ, अब तुम मुझे नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हें झूठ बोला था। जो यीशु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर वेन कैसी कहता है कि यीशु, तुम विंडो ऑफ हेवन के लीडर हो, इसीलिए तुम्हें शत्रु होना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे हर बात पर विश्वास क्यों कर लेते हो। जो यीशु ने ये सभी बातों का जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ रोते हुए इतना ही कहा कि मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता हूँ। वेन कैसी कहता है, जो बस जाएगा उसे ही ज्यादा डर सहना पड़ता है। यह सुनकर जो यीशु फिर से कहता है, लावेन, तुम फिर से मुझे नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारे नहीं रहने से मेरे दिल में बहुत डर होता है जो मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। वेन कैसी ने डर भरा आवाज से कहा, मुझे माफ कर दो यीशु, मैं तुम्हें डर नहीं देना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें झूठ बोलना चाहता। यह कहने के बाद उसका होठ कांपने लगा। वो कांपते हुए होठों से कहा, सबसे डर उसे ही सहना पड़ता है जो जिंदा रहेगा, इसके लिए मुझे माफ कर दो, तुम मेरे सोलमेट हो, प्लीज मुझे जाने के लिए अनुमति दे दो। ऐसे कहने के बाद वेन कैसी जो यीशु के तरफ प्यार भरे निगाहों से देख रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कमजोरी धीमी आवाज में कहने लगते है कि लव यू यीशु, लव यू यीशु। कहते हुए वो अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। वो बहुत कुछ कहना चाहता था अपने यीशु को, लेकिन वो कह नहीं पाया।